Hello you all and welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing well. So this video is going to be a Q&A video. I think मैं first time को Q&A video कर रही हूँ. कुछ time पहले ना मैंने अपने YouTube पे एक post डाला था कि आपको अगर कोई भी queries हो cabin crew से related तो आप पूछ सकते हो. उसमें ज़्यादा तो questions नहीं थे, but जो भी थोड़े बहुत questions थे तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे आके उनको answer करूँ. एंड आई एम यूजिंग दिस माइक टूडे क्योंकि मैंने अभी देखा मेरी आवाज़ ना बड़ी फटी फटी सी आ रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं ये माइक लगा के आज वीडियो रिकॉर्ड करूँगी. बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो लेट मी गिव यू अ स्मॉल इंट्रोडक्शन ऑफ माइंड. माई नेम इज़ भव्या सिन्हा एंड इट्स बीन 4 years इन एविएशन वर्किंग एज अ कैबिन क्रू. आई थिंक 4 साल भी नहीं, अब शायद 5 साल होने को जा रहे हैं. देखते देखते टाइम इतनी जल्दी बीत जाता है ना कि आपको पता ही नहीं चलता. नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विदाउट डूइंग एनी फर्दर डिले. तो मैं अपना YouTube का खोलने वाली हूँ जो मैंने पोस्ट किया था. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज बाय निकिता. माय आईसाइट इज -6 to -7, इज इट एक्सेप्टेबल फॉर कैबिन क्रू पोजीशन और नॉट? ओके, मेरी भी आईसाइट वीक है एंड आई एम आल्सो अ कैबिन क्रू. मैं अपनी फ्लाइट्स पे लेंस लगाती हूँ और घर में चश्मा. तो आपकी अगर विजन 6x6 है तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. आई एम श्योर अगर आप चश्मा लगाते हो तो आपको पता होगा कि आपका विजन अलग होता है और आपके जो चश्मे का नंबर होता है वो अलग होता है. तो अगर आपका विजन 6x6 है बट आपका चश्मे का नंबर कितना भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आप हमेशा फ्लाइट्स पे लेंस लगा सकते हो. सो दैट इज नॉट एट ऑल अ इशू, यू कैन गो फॉर द इंटरव्यू. ऑल्सो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टूडे कि मैं कैमरा में देखूँ और मैं अपने आप को इधर ना देखूँ. लेट सी हाउ इट गोज. नाउ इट्स टाइम फॉर द सेकेंड क्वेश्चन which is by Food Hub. I got 47% in 12th. Am I eligible to become a cabin crew in Indigo? Yes, you can become a cabin crew in Indigo क्योंकि Indigo में जहाँ तक मुझे पता है सिर्फ आपको 12th pass certificate चाहिए होता है. Now if I talk about Vistara, Vistara में ऐसा था कि आपको ना 60% चाहिए होता है 12th में, but क्योंकि अभी Vistara और Air India merge होने वाला है तो Vistara तो अभी रहने वाला ही नहीं है. तो टॉकिंग अबाउट इंडिगो, उसमें आपको बस 12th का सर्टिफिकेट चाहिए होता है तो आप जा सकते हो अपना सर्टिफिकेट लेके इंटरव्यू में. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई वॉन्ट टू बिकम अ कैबिन क्रू इन इंडिगो. आई नो ऑल द क्राइटेरिया एंड एलिजिबिलिटी टू बिकम कैबिन क्रू इन इंडिगो. वट एवर इट इज, टेल मी वंस मोर. इट्स माई ड्रीम कैबिन क्रू. टेल अबाउट यू इन डिटेल. वेयर आर यू फ्रॉम? टेल अबाउट योर कैबिन क्रू लाइफ. दिस क्वेश्चन इज आस्क बाय कीर्ति. कीर्ति ने एक ही उसमें ना 3-4 क्वेश्चन पूछ लिए हैं. ठीक है, पहला क्वेश्चन कौन सा था? मैं एलिजिबिलिटी से शुरू करती हूँ. देखो, आपको क्राइटेरिया देखने के लिए ना इंडिगो या आपको जिस भी एयरलाइन में अप्लाई करना है उसकी वेबसाइट पर जाकर देखना होगा. वहाँ पे आपको बहुत अच्छे से सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. बट मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बता देती हूँ, जैसे कि आपको 12th पास होना मैंडेटरी है, आपके पास एक पासपोर्ट होना मैंडेटरी है, एंड यू शुड बी फ्लुएंट इन इंग्लिश एंड हिंदी. बेसिकली योर कम्युनिकेशन स्किल्स शुड बी परफेक्ट. यू शुड बी फ्लुएंट इन इंग्लिश एंड हिंदी. अगर आपको कोई और भी लैंग्वेज आती है सो दैट इज़ अ प्लस पॉइंट फॉर यू ऑल, बट इंग्लिश और हिंदी मैंडेटरी है. एंड यू शुड बी इन द BMI रेंज जो है 18 से 22. नाउ अगेन डिपेंडिंग ऑन योर हाइट, आपका वेट भी उतना ही होना चाहिए. नो टैटूज शुड बी विजिबल इन योर यूनिफॉर्म, क्योंकि वैसे आपको कहीं भी टैटू का फर्क नहीं पड़ता, बट जब आप यूनिफॉर्म वेयर करो, फॉर एग्जाम्पल आपको इंडिगो में जाना है, जब आप इंडिगो के यूनिफॉर्म पहनोगे तो कोई भी टैटूज नहीं दिखने चाहिए. और आपके फेस पे कोई भी स्कार्स टैटूज या फिर टैटूज आपके फेस पे कोई भी स्कार्स या एक्ने नहीं होने चाहिए, बट अगर है भी तो आप हमेशा उसको कंसील करके जा सकते हो इंटरव्यू के लिए. ये है बस बेसिक चीज़ें जो मैंने बताई हैं आपको. लेट सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. टेल About myself. Okay, I am basically from Bihar but born and brought up in Delhi. Next question is, what is the maximum age to apply for ground staff jobs? Ground staff job, I am not that sure, but you can DM me on my Insta या फिर आप मुझे YouTube पे तो नहीं, Insta पे एक बार मुझे आप मैसेज कर देना, मैं चेक करके आपको ज़रूर से बताऊँगी. और ये पूछा था इसने फनी एडिट्स करके, जो भी चैनल का नाम है आपका. और एक दो क्वेश्चंस और थे जो मैंने अपने रीसेंट वीडियोस में से निकाले थे जो बहुत ज़्यादा लोगों ने पूछा था. वो क्वेश्चन ये है कि मैं निकाल लेती हूँ पहले. ओके, दी मैं 12th के बाद कैबिन क्रू कैसे बनूँ? मीन्स आगे क्या प्रोसेस है? मैं अभी दिल्ली में रहती हूँ, प्लीज़ बता दो. आप
ट्वेल्थ कर ली है, आपके पास ट्वेल्थ का सर्टिफिकेट आ गया है एंड इफ यू मीट ऑल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यू कैन अपियर फॉर योर वॉक इन इंटरव्यूज. अब आपको वॉक इन इंटरव्यूज कैसे पता चलेगा, आप इंडिगो की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हो. जो भी ओपनिंग्स आती है वहाँ पे हमेशा मेंशन होता है. फॉर एग्जाम्पल कल दिल्ली में इंटरव्यू है, तो आप अपने बेसिक चीज़ें जैसे कि योर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एंड योर 10th एंड 12th सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ये सारी चीज़ें लेके इंटरव्यू के लिए डायरेक्टली जा सकते हैं वॉक इन इंटरव्यू में. और अगर कहीं पे इंटरव्यू ऐसा है जहाँ पे सिर्फ इनविटेशन बेसिस पे है, वहाँ पे आपको पहले से अप्लाई करना पड़ेगा ताकि आपको इनवाइट आए और आप फिर जाओ इंटरव्यू के लिए. ये क्वेश्चन बहुत लोगों ने पूछा था, सो आई वॉन्टेड टू टेल यू गाइज. एक क्वेश्चन और है जो बहुत लोगों ने पूछा है, दी 12th के बाद डिप्लोमा करने के बाद सिलेक्शन होता है या कुछ और क्वालिफिकेशन लगती है, प्लीज़ इन्फॉर्मेशन दो. ठीक है, 12th के बाद अगर आपको अपनी पढ़ाई आगे करनी है, जो मैं कहूँगी प्लीज़ करना, बट इफ़ आई टॉक अबाउट कैबिन क्रू लाइफ, यू डोंट नीड एनी अदर एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स अपार्ट फ्रॉम योर 12th सर्टिफिकेट. 12th इज़ द मिनिमम रिक्वायरमेंट दैट यू कैन अपीयर फॉर एनी इंटरव्यू. इफ़ आई टॉक अबाउट कैबिन क्रू इंटरव्यू, तो आपके पास अगर 12th का सर्टिफिकेट है तो आप सीधा जा सकते हो. उसके बाद उन्होंने ये भी पूछा था कि कैसे क्या प्रोसेस है. 12th करने के बाद आपको बस ऑनलाइन वेबसाइट पर जाके चेक करना है डेट्स एंड वेन्यू फॉर द इंटरव्यू, जो मैं भी अपनी वीडियोस में कभी कभी डालती हूँ, तो आप वो भी देख सकते हो. आपने वो चेक कर लिया, उसके बाद अपने बेसिक डॉक्यूमेंट्स लेके एज आई मेंशन अर्लियर आप लेके जा सकते हो इंटरव्यू के लिए. बट अगेन इन्विटेशन बेसिस है तो बी केयरफुल, आप ऐसे भी मत चले जाना, पहले अप्लाई करना उसके बाद जाना, ये भी आपको उनकी वेबसाइट पर पता चल जाता है. एंड आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे. जो भी थोड़े बहुत क्वेश्चंस थे, आई ट्राइड माई बेस्ट टू आंसर ऑल ऑफ यू. एंड स्टिल यू हैव एनी डाउट्स और एनी क्वेरीज रिगार्डिंग कैबिन क्रू, प्लीज़ डू नॉट हेजिटेट टू राइट योर क्वेरीज इन द कमेंट सेक्शन. आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं फिर से एक वीडियो बनाऊँ जिसमें सबका आंसर्स करूँ. एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. आई विल सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो.